तुम यहाँ कब आई? वो बस 4 घंटे पहले। वेलकम। थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, क्या आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार हैं? तुम्हें बिलीव नहीं होगा पर मैंने इस मोमेंट का वेट बरसों से किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आज सुनना चाहूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपसे प्यार करती हूं। तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं। तुम मेरे मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूं। क्या कर रही हो सनम? मैंने क्या किया? ऐसे मेरा दिल क्यों चुरा लिया तुमने? हम भीग रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ पूरी रात बता सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बॉडी एकदम नम सी हो गई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं सोच रहा था कि शायद एक किससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ शायद। Come on. भूख लगी है। हाँ बहुत ज्यादा। मैं कुछ बनाऊं? मैं टर्टरियन मीटबॉल्स बना सकती हूँ। नहीं, let me cook. मैं cook करता हूँ ना, please. हाँ, पर मुझे आपको अपने हाथों से खिलाना था। खिलाओगी, पर आज मेरा मन है तो आज मैं cook कर लेता हूँ और उसके पहले तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। अब ये सनीम कहाँ पर है? मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? इट्स वेरी लेट, हम तीनों यहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं और वो कहाँ गायब है? मुझे भी नहीं पता लला, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? आई थिंक मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे बता रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। किसके साथ? मुझे स्टोरी पता चल गई है सच में। क्या पता चल गया? हाँ सच कह रही हूँ, मुझे सब पता है, वो 3 लेटर्स वाला। अच्छा दोस्तों, वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा मैं बाद में मिलती हूँ। उस्मान, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए वेट कर रही हूँ। तुम्हें कब से पता है, क्या पता है? मुझे आज सब कुछ सुनना है, सारी डिटेल्स के साथ बता दो मुझे। लैला मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस्मान मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी, उसके बदले तुम मुझे पूरी स्टोरी बताओगे। चलो शुरू करो, जल्दी से जल्दी शुरू करो। पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। उस्मान
हाय उस्मान, कैसे हो तुम? कैसी हो तुम? अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। गुलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ हाय लैला, कैसी हो तुम? हम एक इवेंट में एज अ कपल जाने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है और उस्मान उसमें मुझे मदद करने वाला है। चलो उस्मान, हम चलते हैं। तो उस्मान चले हम? अब चलो, आ जाओ। एक सेकेंड, तुम ऑफिस में भी किसी से भी हेल्प मांग सकती थी, तो फिर उस्मान ही क्यों? ये क्या बोल रही हो तुम? उसकी हेल्प क्यों ले रही हो तुम? उन सब ने मुझे मना कर दिया, उस्मान ने मुझे हाँ बोला। ठीक है, तो उस्मान क्या सोच रहे हो, चले हम? लैला, तुम चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ सकते हैं। नहीं उस्मान, तुम चिंता मत करो, तुम्हें उसके साथ जाना है, तुम चले जाओ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, चलो बाय लैला, हम चलते हैं। चलो गुड नाइट लैला। चलो उस्मान, चलो चलो चलो। वेलकम अगेन। थैंक यू। मैंने मेरी ड्रेस ड्रायर में रखी है, जल्दी सूख जाएगी। दैट्स नाइस। वो एक शोल्डर एक तरफ से जो गिरा है वो अच्छा लग रहा है। यू नो, वैसे तुम बहुत अच्छी दिखती हो, पर ये टी शर्ट तुम पर कुछ ज्यादा ही जच रहा है। वैसे मैं सैलेड और पास्ता बना रहा हूँ, आई होप तुम्हें अच्छा लगता है। आई लव इट। हाँ, सुपर सुपर। क्रीम पास्ता? टेस्ट करो, बताओ कैसा। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा बना है। मैं भी बनाती हूँ, मेरी मीट बॉल से तो काफी अच्छा बनाया है आपने, मुझे बहुत पसंद आया आपने वो। हाँ, अच्छा वो मैं सैलेड बनाती हूँ। Let me warn you, a knife बहुत sharp है, तो जरा संभल कर, वरना उंगलियां काट लोगी अपनी। थोड़ा careful, हाँ? Okay. रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम छोड़ो ना, मैं कर लूंगा। वैसे मैं तुम्हें पूछना भूल गया, तुम क्या पीना पसंद करोगी? I mean, I can offer you wine, अगर तुम चाहो तो। फिर तुम मुझे बैट किंग बुला सकती हो, जो मैं चाहता नहीं हूँ वैसे। By the way, तुमने मुझे बैट किंग क्यों बुलाया? तुम मुझ पर गुस्सा थी? मैं अगर बोलना शुरू करूं तो मुझे आपको सब बताना पड़ेगा। हमारे पास काफी टाइम है, बताओ क्या हुआ, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना? सुनो सनम, आई डोंट केयर तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों लेती हो? हा? तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, ठीक है, और मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, समझ रही हो? क्या हुआ ऐसा जो तुम इतनी ज्यादा डरी हुई हो, बताओ मुझे। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैंने क्या कहा, सोचो मत, बस अपने दिल की सुनो। इस पल में हम दोनों साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। हाँ, पर मुझे आपको सब बताना है, प्लीज बताने दीजिए। हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो तुम मुझे उस बारे में बताओ, ये सारी बातें छोड़ दो, हम आराम से बात करेंगे, ओके? सनम, वो क्या है ना, मैं आज की रात खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत
अच्छा टाइम है तुम्हारे साथ और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। इट्स मैजिकल, यू नो, हम दोनों के लिए ये बहुत स्पेशल है। पर... नहीं, सुनो मेरी बात, यू नो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा जब तुम रेडी हो तब। नो नीड टू वरी, आज की रात इस पल को जीते और कोई फिक्र नहीं करते, ओके? फिलहाल हम टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं। ऑलराइट, ओके, सुपर, आ जाओ। ऑलराइट, सुनिए थोड़ी वाइन पीते हैं। धीरे धीरे सनम, आराम से, आराम से। ओ, बस एक ग्लास। हाँ, बस एक ही ग्लास काफी है, वरना तुम डांस करोगी और यहाँ हंगामा खड़ा कर दोगी। बस एक ही ग्लास, ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं जरा जाकर ड्रेस देख कर आती हूँ। नहीं क्यों, हाँ तुम इसमें अच्छी लग रही हो। सबका एक वीक स्पॉट होता है और सनम का भी जरूर होगा, मैं उसका पता लगा लूंगी। वो दोनों साथ हो गए, अब मैं क्या करूंगा, सब खत्म हो गया, मैं तो गया, गया। एमरे प्लीज, अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब करने के लिए हम लोग लेट हो चुके हैं, उसने अगर सब कुछ जान को बता दिया तो मैं तो गया, काम से कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमरे प्लीज काम डाउन, आओ बैठो यहाँ पर बैठो। वो कुछ नहीं बोलेगी, अगर उसने मुंह खोला भी तो जान उससे दूर चला जाएगा और उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी हमें सनम से एक और झूठ बुलवाना होगा, एक बहुत बड़ा झूठ। हमें उसे वार्न करना होगा कि वो ये बात जान को कभी भी न बताए, फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी एमरे। मगर कैसे? कैसे ये बताओ कि वो रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? वही जो तुम मेरे लिए लाए थे पर सानिम को दे दी थी एज एन एंगेजमेंट रिंग। उससे क्या होगा, वो रिंग मिलने से क्या फायदा होगा, बताओगी तुम मुझे? मैंने वो तुम्हें लौटा दी थी एमरे, तुम्हारे बेडरूम के ड्रॉअर में रखी थी, वही होगी। क्या कहा? वो रिंग तुम्हें बेचने के लिए दी थी मैंने, ताकि तुम उन पैसों से सारा कर्जा चुका सको, समझी? मुझे अभी भी लोगों के पैसे देने हैं एमरे, पर मैं उसे नहीं बेचूंगी। एमरे आई कांट बिलीव इट कि तुमने मेरे लिए रिंग खरीदी और तुमने मुझे प्रपोज भी किया और अब तुम चाहते हो कि मैं वो एंगेजमेंट रिंग बेच कर अपना कर्ज चुकाऊं? अनबिलीवेबल। सनम सुनो, तुमने पूरी बॉटल खत्म कर दी, हद हो गई है सच में। नहीं बिल्कुल नहीं, एक बॉटल अंदर रखी है, वो मैं लेकर आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं ये पूरी दुनिया क्यों घूम रही है। हाँ दुनिया घूम तो रही है, पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, चलो मेरे साथ। इतना अंधेरा कैसे हो गया? तुम्हारे साथ आऊंगा। आपको बताए आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे सब बाय हार्ट है, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी। बाय हार्ट? तो बताओ क्या कहता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको कुछ अच्छा कहती हूँ तो आप शर्माते हैं ऐसे मुंह करके और जब मैं आपको कुछ स्ट्रेंज कहती हूँ तब आप मुझे ऐसे देखते हैं एकदम खोल के। आज जब मुझे आप कोई लोकेशन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं वहाँ। और क्या? जब आप बहुत अच्छे दिखते हैं, वैसे हैंडसम तो आप है ही, पर
तब आप ऐसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, आने दो ऐसे ऐसे और आप ना आपके ग्लासेस कुछ ऐसे निकालते हैं और जब आप ना किसी चीज को गौर से देखना चाहते हैं तो आप आपके ग्लासेस कुछ ऐसे करते हैं। वो मैं गुस्सा होता हूँ तब करता हूँ हाँ, ताकि अटेंशन से देख पाऊँ। सच में? ओ अच्छा, लेकिन तुमने क्या रिसर्च किया है कसम से। ठीक है अब आपकी बारी। तुम्हारे जैसी मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी तो नहीं पर मुझे कुछ चीजें जरूर याद है। जैसे कि? जैसे कि तुम्हारी तुम्हारी स्माइल इस दुनिया की सबसे ब्राइट स्माइल है। एक्साइटेड होने पर तुम बहुत फास्ट बोलती हो। हाँ फास्ट बोलती हूँ। और जब तुम कुछ सोच रही होती हो तब अपने बाल सहलाती हो और तुम्हारा परफ्यूम मुझे पागल कर देता है। तुम्हारी तुम्हारी खुशबू मुझे अपने बस में कर दिया और मैं पागल हो जाता हूँ सच में। अच्छा एक काम करते हैं, चलो कहीं भाग चलते हैं। हाँ क्या कहती हो, हमें कहीं भाग जाना चाहिए? कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो तुम बताओ। वैसे मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ। सच में कभी नहीं? हाँ हमारे पास इतने पैसे कहाँ है। ओके चूज अ प्लेस जहाँ तुम जाना चाहो मेरे साथ। यही कहाँ? बस यही ये काफी है मेरे लिए। आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। हम कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है हम दोनों मिलकर सब कुछ सॉल्व कर देंगे। अमरे तुम्हें मुझे वो रिंग देनी ही होगी। क्यों? क्योंकि सानिम ने जान से रिंग के बारे में झूठ कहा, हम उसे फोर्स कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ बट ये प्लान शायद काम कर जाए। आइलैंड वो रिंग बहुत डेंजरस है, अगर भाई को पता चल गया तो। प्लीज अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो। शूटिंग कल सानिम की कॉलोनी में है, सबका एक वीक स्पॉट होता है और सानिम कभी जरूर होगा, मैं उसका पता लगा लूंगी। आई प्रॉमिस अमरे, ट्रस्ट मी। ये सबसे तंग आ गया हूँ मैं, झूठ बोलने से दगा देने से अब बहुत हो गया। मुझे बस इस सबसे दूर जाना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले हम सनम की बोलती बंद करेंगे और फिर उन दोनों को अलग कर देंगे, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखना ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो। येलो येलो चाय है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू, मुझे चाय बहुत पसंद है। कितने बजे हैं? आई डोंट नो पर काफी लेट हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? आपके साथ वक्त कब बीतता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना। चलिए अब मुझे जाना प्लीज। हाँ रुक जाओ, जाना होगा। प्लीज मेरे साथ रहो ना प्लीज। नहीं जाऊँ। प्लीज रुक जाओ प्लीज। अच्छा तो मैं घर पे क्या कहूँगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरी माँ मुझे जान से मार डालेगी। प्लीज मत जाओ, रात हो चुकी है, आपको तो मुझे इस वक्त छोड़ने आना चाहिए। प्लीज आइए ना। ओके मैं चलता हूँ, तुम इसे पी लो फिर हम साथ चलेंगे। ये चाय बहुत अच्छी है। ए, आराम से। रुकिए मैं यहीं से चली जाऊंगी, कोई देख लेगा। तुम उन्हें नहीं बताओगी? क्या? हमारे बारे में। अच्छा अब हमारे बारे में पर क्या? यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लाइन सुनकर तो मुझे काफी अच्छा लगा, पर अगर मैं अभी मेरी माँ को ये सब बताऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी, इसलिए बाद में बताऊंगी। हाँ नो प्रॉब्लम, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी। सी यू। एंड आई थिंक मैं तुम्हें यहाँ किस भी नहीं कर पाऊंगा, राइट? जी हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
मतलब सनीम, अब तुम और जान रिलेशनशिप में हो, क्या ये सच बात है? मुझे तो पता भी नहीं क्या चल रहा है। हाँ, मुझे भी पता नहीं। हाँ सही कहा, मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ भी। कितना अलग हो रहा है, थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही अब मुझसे। मुझे उनके साथ रहना है। खुश रहो बहना, खुश रहो, और जब तक वो तुम्हारे पास्ट के बारे में ना पूछे मत बताना, टॉपिक मत निकालना, बिल्कुल नहीं, एक शब्द भी नहीं, और सिर्फ तभी तुम्हारा ये प्यार टिक पाएगा। कभी ना कभी तो बताना ही होगा ना। आई लव हिम, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं एक दिन जाकर उन्हें सब सच बता दूंगी, क्या कहते हो? देखो तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, बस एक बात याद रखना, उस चाला कैमरे की बातों में दोबारा मत आना प्लीज। हाँ सही कहा, आई होप वो कुछ ना करे। उसने कहा जाओ ढूंढो, करो प्यार, वैसे भी वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो कौन होता डिसाइड करने वाला? उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं उसे दिखाता हूँ क्या है। अब आपको क्या हुआ भाई? मिस्टर जान इमरे से बहुत अटैच्ड है, उनकी जान बसती है इमरे में, पर इमरे बहुत मीन है, अगर मिस्टर जान को पता चल गया तो वो टूट जाएंगे। गधा है वो, गधा। इतना गुस्सा। एनीवेज मैं उन्हें जल्दी ही सच बता दूंगी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। स्ट्रेंज अहान, ये इस कमरे को देखो, लगता है यहाँ कुछ मिसिंग है ना अहान? जबरदस्त। अच्छा क्या कहती हो हम उन्हें एक लेटर लिखें? हाँ साथ में लिखते हैं, मिस्टर जान को बताना है। भाई मैं दूसरी जबरजत बनती जा रही हूँ, बस मिस्टर जान के ख्यालों में गुम हूँ, बस उन्हीं का नाम, जान जान। ओह मुझे जाना होगा, मुझे बहुत काम है। सी यू, बाय, बाद में मिलते हैं। ध्यान रखो अपना। अयान कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 6:30। और ये घर कब आई थी? 5:00। पागल है ये, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके ओके, मैं शायद टाइम पास करूंगी क्योंकि मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनी, कैसी हो? मॉम ट्रे रेडी है, मैं बाहर ले जाती हूँ, ठीक है मॉम? सुनिए मॉम, आप अंडों की तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? बताइए बताइए। तुम्हारी माँ आज क्रू के लिए क्रंची मीटबॉल्स विद एग्स बनाने वाली है, इसलिए वो काउंट करे कितने मिनट्स हुए हैं। देखे वे, मैं इन्हें खाने के लिए बेसब्र हूँ, जब भी तुम मीटबॉल्स बनाती हो उसकी खुशबू से घर महक उठता है। हाँ मुँह में पानी आ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या आप भी बात को बढ़ा रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आज की शूटिंग पहले वाली नहीं है, सनीम ने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट। इसीलिए तो तुम्हारी माँ और मैं ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। तुम्हारी माँ अच्छा खाना पका रही है और मैं जाकर मोहल्ला साफ करने वाला हूँ, पूरा का पूरा मोहल्ला साफ कर दूंगा, कचरे का नामो निशान मिटा दूंगा। वेल अच्छा है, पर सच कहूँ तो आप फिर भी बात को बढ़ा रहे हैं। मॉम मैं इन्हें बाहर लेकर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी राइटर बेटी। वैसे आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई। कल रात को कहाँ थी और इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो मॉम कहाँ जाऊंगी, अहान के यहाँ थी। मेकबे अंडों का क्या हुआ? ओह गॉड, मैं तो सब भूल ही गई, तुम्हारी बातों में ना सब भूल जाऊं। कोई बात नहीं मॉम, अच्छे से बनेंगे, आई एम श्योर। बेटा तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना, तुम रात को लेट भी आई थी, काफी काम था क्या तुम्हारे लिए? मैं गुलिस के यहाँ थी और उससे बात करते करते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, बहुत स्वीट लड़की है वो। अच्छा इंटरेस्टिंग, रियली कहाँ रहती है वो, जरा मुझे भी तो बताओ। पास ही रहती है, यही पास में रहती है वो। ओह ऐसी बात है, क्योंकि रात को कल ओस्मान से मिली थी, मुझे लगा वो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। मैं गलत थी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, हम तीनों मिलकर अच्छी अच्छी बातें करते। ओ सच में मैंने मिस कर दिया सब कुछ, है कि नहीं? सॉरी लला, तुम्हें भूख नहीं लगी? आना तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चालाती हूँ, आओ। मॉम आप भी आओ। ठीक है चलो निहाद, चलो ये लो मिल्क दे दो, आ जाओ। मैं गुलीस से बात करूंगी। हाँ हाँ तुम जाओ ना।
आयहान, इससे मैं क्या कहूँ। हेलो, हेलो आयहान। हाय जीजी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आज हम तुम्हारे मोहल्ले में आ रहे हैं शूटिंग करने के लिए। नाइस, मैं भी घर पर ही हूँ। अगर तुम्हें प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। नहीं आयहान, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे हेल्प ना करो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे स्ट्रेस होता है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम मेरे मोहल्ले में आ रहे हो और ये मेरा इलाका है और तुम्हें मुझे देखकर स्ट्रेस होता है? हाँ ठीक है, मेरी हेल्प करो, हम साथ में काम करेंगे। ओके आयहान, ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाय बाय। सच में ये लड़की मेरे पीछे दीवानी हो गई है, क्या करूँ मैं सच में। ये मुझसे कितना प्यार करता है बेचारा। ये लीजिए। हाँ लेती हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है? हमने हलील से बात की। क्यों? आपने उनसे बात क्यों की? मैं संभाल रही थी ना सब, आपको क्या जरूरत थी इसमें पढ़ने की? सनम, हमें बात तो करनी ही थी ना, तुमने शॉप के लिए इतने पैसे जो दिए थे, पेरेंट्स होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो अब कैटरिंग से जो पैसे आते हैं, तुम्हारी माँ ने कुकिंग करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन हलील ने लिए नहीं, उसने कहा ये मेरे और सनम के बीच की बात है। तो मैंने कहा था ना आपसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, हम दोनों को काफी बुरा लग रहा था इसलिए पैसे दिए। सुनिए डैड, मैं मंथली पैसे दे रही हूँ उन्हें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और सनीम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ सच में, मैं सच कह रही हूँ, हम एक दूसरे को सारे इश्यूज में सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं? देखो तुम बहुत समझदार हो, लेकिन ये पैसे तुम रख लो, रख लो, रख लो। नहीं मॉम। कहा ना रख लो। मॉम मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुलीज, गुलीज ने कल रात का एक फनी मैसेज भेजा है, मुझे आंसर करना होगा। हाँ ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग। आई मिस यू। ऐसा क्या फनी कह दिया गुलीज ने? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी कोई ना नहीं है, तुम पैसे भरो, पर ये पैसे रख, और तुम्हें कुछ लेना है तो इन पैसों से ले लेना। डैड मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ और उसके पैसे दीदी लैला भरती है, ठीक है? हाँ हाँ मैं देखती हूँ, तुम देखोगे मैं चाय के पैसे कैसे भरती हूँ। कल रात तुम्हें जहाँ छोड़ कर गया था वहीं रुका हूँ। हाँ ठीक है मुझे चलना होगा अभी। रुको रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुको, नहीं मैं रुक नहीं सकती, पैसे तो ले लो। मेरे बे सनम तो पैसे नहीं ले रही है, अब हम क्या करें इन पैसों का, बताओ जरा। निहाद पैसों की बात छोड़ो, इस लड़की पर कोई और ही भूत सवार है। मिस्टर चांद से इसका जरूर कोई लेना देना है। शूटिंग के वक्त जरा नजर रखना इस पर, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है मेरे बे, तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कह रही हो ना ऐसा ही करना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय और बेगल खाओगी? हाँ क्यों नहीं, आई लव देम। आप खाएंगे? खिलाओ। ठीक है। आसुन प्लीज अब रोना बंद करो, वो हमेशा के लिए थोड़ी गया है, आ जाएगा तुम्हारा बच्चा। ये कम्युनिटी सर्विस तो करनी ही पड़ेगी, ये तो जरूरी भी है।
इतना आसान नहीं है। वो क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चा क्या खा रहा होगा। अरे आए सुन, वहाँ सब कुछ मिलता है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और देखना वहाँ जाके वो अपने पैरों पर भी खड़ा होना सीख जाएगा। सही कहा, सही कहा। मैव के भाई तुम देख रही हो, आयसून मुजाफ्फर अब एकदम मैच्योर बनकर लौटेगा। उसके पास नए दोस्त होंगे, नई बातें होंगी, नया एटीट्यूड होगा। सच में वो कितना अच्छा बन जाएगा, है ना? तुम नहीं समझ पाओगी, नहीं समझ पाओगी। पर तुम मैप के बे, तुम्हारी तो बेटियां हैं, तुम तो समझो। अरे सुन, फिर से मत शुरू हो जाना। मेरी बेटियों के बारे में हर बार क्या बोलती रहती हो तुम? मैं कुछ नहीं सुनने वाली, बहुत हो गया तुम्हारा। मैप के बे, जाने भी दो, उसे पता नहीं वो क्या बोल रही है। हाँ ना, समझ तो है ही है। देखो ईशान आ गया है। वैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हेलो लेडीज। पता है ये कॉल भी यहीं आया था। पता नहीं रोज नोटबुक और पेंसिल लेकर क्या लिखता रहता है, मुझे समझ नहीं आता। आई सुन, कल तुम्हारे शॉप के सामने वो जरूर कुछ सोच रहा था और कुछ लिख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। मैंने उसे बुलाया। क्या मतलब? क्यों नहीं, मेरा बेटा तो गया, अब मुझे मदद तो लगेगी ना। मैंने उससे मदद मांगी तो उसने हाँ कर दी। वैसे भी आजकल मदद के लिए कोई कहाँ मिलता है। ये तुमने क्या किया, मदद मांगने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला? वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या करोगी? उससे तुम्हें क्या है, मैंने उसे बुलाया है, मैं देख लूंगी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, जाओ यहाँ से। आयसुन, मैं कि बे सही कह रही है, तुम सालों से सब अकेली संभालती आ रही हो, अब अचानक से तुम्हें किसी की मदद की जरूरत क्यों पड़ गई है? तुम सब कर सकती हो क्यों? मिलाहट इतना आसान नहीं है। पहले मेरे पास दुकान नहीं थी, अब मुझे घर और शॉप दोनों संभालने पड़ते हैं। मैं अकेली भला क्या क्या करूँगी? जब से मेरा बेटा गया है मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब संभालना है। देखो मिलाहट, मुझे इसकी बकवास और नहीं सुननी है। यहाँ बैठ कर रो रही है और परेशानियों को अपने घर बुला रही है। वाह वाह, तुमने मोहल्ले का बेस्ट पार्टनर चुन लिया है अपने लिए। तुम खुश रहो, मैं तो जा रही हूँ। मुझे इस मामले में कुछ नहीं बोलना है, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं बीच में पड़ना। मैं किबे, नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। रुको, जाओ जाओ। क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों छोड़ा? अंदर साथ थोड़ी ना जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, सबको पता चलना चाहिए। नहीं, मिस्टर एमरे भी होंगे, मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। क्यों? तुम्हें पता है ना मुझे सीक्रेट रखना पसंद नहीं है। आई नो, पर मुझे शर्म आती है, थोड़ा वक्त तो दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाइए सनम मैडम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। निहात अंकल, आंटी कैसे हैं आप? हाँ, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे मिस किया या नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं निहात। क्या हुआ मेवी के भाई? नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, समझे तुम एहसान। अरे आप भी कमाल करती हो आंटी, अब हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाइए, बहुत दिन हो गया। अच्छा ठीक है, मत भूलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपका स्वभाव बिल्कुल मत बदलिएगा। चलिए अब चलता हूँ। और बताओ क्या हाल है तुम सबका? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ? अरे क्या हुआ, सब ऐसे शांत क्यों बैठे हो? एक गुड न्यूज सुनना चाहोगे तुम सब लोग? यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे सुनने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जरूर स्माइल आएगी। यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा, मैं कह रही हूँ तुम्हें। चलो चलो वहाँ मेवी के बे, वरना वो अपनी बातों से पूरे मोहल्ले को लूट लेगा। एक बात बताओ, फ्री में कभी कोई काम करता है क्या? मैं आपके लिए सारा काम करूंगा और आप बस रिलैक्स में बैठिए। अरे आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ नहीं आता अंकल। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो बताओ मुझे? कुछ नहीं, बस इनके साथ थोड़ी बात कर रहा था। कह रहा है कोई ऐड शूट है आज। क्या कहा, ऐड की शूटिंग? हाँ, हाँ। सुनो एहसान, जिस कंपनी के पीछे तुम पड़े हो ना, उसमें मेरी बेटी काम करती है, और अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो इतना पीटूंगी कि कहीं बैठने लायक नहीं बचोगे तुम। एक सेकेंड आंटी, मेरी बात सुनिए, हमारे भी कुछ हक हैं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हद में रहना, वरना मैं जो कहती हूँ वो कर देती हूँ, समझे तुम? ठीक है, आप कह रही है तो कुछ नहीं करूंगा। शांत हो जाओ मेरे के भाई, शांत हो जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। आप पीजिए।
दोनों अपनी आंखें खुली रखना। शूटिंग के लिए जो लोग आने वाले हैं ना, उन सबसे पैसे वसूलने का काम मैं करूंगा, तुम सबके हिस्से के पैसे वसूल करूंगा। सब सेट है, कोई टेंशन। बाकी की डिटेल्स बाद में बताता। ठीक है अभी जाओ काम करने दो। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन। गुड मॉर्निंग डेरेन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, आप हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हो। जॉन एक्चुअली हमारा पूरा वीक बिजी होने वाला है, तो हमें क्रिएटिव टीम के साथ एक मीटिंग फिक्स करनी होगी। ओके ठीक है, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ। ओके मिस्टर जॉन, मैं आपकी चाय लाती हूँ। ओके सनम, ऐसे यू नो कि कॉम्पिटिशन के दो प्राइजेस थे। पहला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का वीडियो शूट होगा जो कि आज होने वाला है, तुम्हें वहाँ रह के सब चेक करना होगा, सब अप्रूव करना होगा, सो तुम्हारा दिन आज बहुत बिजी रहने वाला है। और सेकंड प्राइज, तुम यहाँ एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग इंटर्न काम कर सकती हो। मिस डेरेन, मैं रुकी थी स्क्रिप्ट राइटर ये वर्ड सुनने के लिए। आई कांट बिलीव इट, अब मैं सिर्फ चाय नहीं बल्कि स्क्रिप्ट भी बनाऊंगी। हाँ मैं भी खुश हूँ, पर ऐसे चिपको मत मुझसे सनम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, याद रखूंगी। ओके, और एक इंटर्न भी पियोन से कम नहीं होता। तुम्हें चाय कॉफी सर्व करना, फोटोकॉपी लानी होगी, ये सब करने के बाद स्क्रिप्ट्स भी लिखने होंगे। ये जर्नी आसान नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। यू गॉट सही कहा। ठीक है फिर, ये लो। थैंक यू। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो, गुड लक। थैंक यू। यू शुड बी। निहात, उम्मीद है एहसान कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, सुन रहे हो ना? नहीं मेविक बे, कुछ नहीं होगा, तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया है, वो अब लोगों को लूटने की सोचेगा भी नहीं। अलील आ जाओ। हेलो, कैसे हैं सब? हेलो अलील, वेलकम। थैंक यू सो मच मिस्टर निहात, आपकी ऑर्डर आ गई है, अगर पूरी ना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अब चलता हूँ। अलील रुको ना, डोर बंद करो। क्या हुआ बताइए? कहा ना डोर बंद करो, करो। पिछली बार आप इतनी जल्दी चले गए थे, आइए चाय पीकर जाइए। रामी तो चाय भिजवाना। बैठो। अलील, ये लो। नहीं लूंगा और एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा, ये सनेम और मेरे बीच की बात है, मैंने कहा था ना, आप सुनती क्यों नहीं? नहीं लूंगा मैं पैसे। सनेम पैसे नहीं ले रही है तो आप रख लो ना, दिक्कत क्या है, रख लो पैसे, क्या मुसीबत है? अच्छी बच्ची है वो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? नील, आराम से बात करो, मेरी बच्ची हमारा कर्जा चुकाया और हम यहाँ ऐसे बस देखते रहे, हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? ये लो, तुमने जितने पैसे दिए थे रख लो, सारे के सारे पैसे लौटा दिए हैं, रख लो इसे, ये तुम्हारी ही है। मैं नहीं ले सकता। अलील ले लो। आप मुझे इस तरह से मत देखिए। सच तो मैं जान कर रहूंगी, हाथ नीचे करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब बताओ ये आप मेरे साथ कर क्या रही हैं? बचाओ। अलील, अब तुम हमारे कब्जे में हो, जो मेव की बे पूछ रही है उसका जवाब दो, जवाब दो से जवाब दो, बोलो अलील, कुछ तो बोलो अलील। अब मैं क्या करूं क्या? मैं बचा ले ऊपर वाले, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, आप लोग क्यों मुझे इसमें फंसाना चाहते हैं बताइए? बोलो हलील, बोलो, जल्दी बोलो। आपका जो कर्जा था ना मैडम, वो चुकता हो गया है, सनम ने सारे पैसे भर दिए। मैं नहीं जानता कि उसने आपसे झूठ क्यों कहा कि वो मुझे हर महीने पैसे देती है। मेरी आंखों में देखो, ये सच कह रहा है। ये सच कह रहा है। आराम से। सनम को 40,000 लिरास मिले कहां से? मैं क्यों भी? अब हलीम, तुम जाओ, अपना काम करो, जाओ। तुम्हें लेट हो रहा है ना? मैं क्यों भी? ऐसा मत करो, मुझे डरा रही हो तुम। मैं क्यों भी? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। यही रुको, बैठी रहो।
मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना, हम साथ में प्लान करेंगे। यस आई प्रॉमिस। इससे कर्जा चुका दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद आना, वहीं मिलेंगे। ओके गाइस, हम अब बिल्कुल रेडी हैं। प्लीज याद रखना, हमें मिनिमम बजट में अच्छा प्लान देना है, ठीक है? देखने में तो इतनी बड़ी कंपनी है पर अंदर से कंगाल है। जो बजट हमें मिला था सोशल मीडिया एक्सपेंसेस के लिए वो खत्म हो गया है। वैसे भी वो ज्यादा बजट नहीं था, तो अगर हमें क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने हैं तो हम ये एज अ फेवर कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर वॉल्कन? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ी ना एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या पता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अंदर आओ सनम, हमारी स्क्रिप्ट राइटर, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग प्लीज। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड होती थी, पर हमें कंट्रोल लाना पड़ता है और कंसंट्रेशन के साथ काम खत्म करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस शूटिंग की जगह फाइनल है सनम के मोहल्ले में और एक्स्ट्रास भी फाइनल हो चुके हैं। सनम तुम एक बार डेरन के साथ बैठकर स्क्रिप्ट चेक कर लो और फिर शूटिंग के फ्लो को देख लो। ठीक है, ये रही कास्ट लिस्ट, तुम देख लो एक बार। 80s से शुरू करें, क्या कहती हो सनम? हाँ, ये चार लड़कियां हैं जो अपना मोहल्ला छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए कार में बैठकर निकलती है, फिर वो लौट कर आती है और अपनी बेटियों को इंस्पायर करती है अपने सपने पूरे करने के लिए। इस बार मोहल्ला सेम होगा पर वो कार अलग होगी और वो औरतें भी। सनम हमारे पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है पर ये फिल्म वैसी ही बननी चाहिए जैसा तुमने सोचा है, तो हमें तुम्हारा ड्रीम बताओ एंड वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन व्हाट वी कैन। ठीक है, ठीक है सनम, ये तुम्हारे मोहल्ले का ब्लूप्रिंट है। वाओ, मोहल्ले को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हें ये पसंद आया? यहाँ हमारी शॉप है। ठीक है फिर, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से सीन्स कहाँ शूट होंगे, फिर उसके बाद हम बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। हमारे घर के पास का रोड बहुत अच्छा है। ओके गाइस, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो चलो काम पर लगते हैं। डेरन, तुम प्लीज एक बार आइलन से कंसल्ट कर लो, यू नो थोड़ा अर्जेंट है तो प्लीज। हाँ कंसल्ट कर लूंगी, और क्या कर सकती हूँ महारानी कहीं की। ओके तो ठीक है, तंग आ गई हूँ मैं आइलन से, मेरा काम ही क्या है बस उसे अप्रूव करवाने का, और कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे ले लीजिए, तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो, गुड लक। सनम आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट बनाकर दो, ठीक है? आधे घंटे में? हाँ आधे घंटे में। गुड मॉर्निंग सनम, मेरे लिए कॉफी लाओ जल्दी। ठीक है, और एक पेन किलर भी लेकर आना, मेरा सर दर्द हो रहा है। और मेरी स्ट्रेस बॉल भी ढूंढ कर लेकर आओ, एक नहीं मुझे दो स्ट्रेस बॉल चाहिए, इस औरत को देखकर मेरा बीपी बढ़ जाता है, जल्दी करो जल्दी जाकर लेकर आओ। श्योर मिस्टर एन। तुम इतना हंस क्यों रही हो बताओ सर? कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ? कल तुम मिस्टर जॉन के साथ? हाँ पर हमें थोड़ा काम था बस इसीलिए। काम था? इतनी रात को क्या काम था तुम्हें? आप नहीं समझेंगी मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ता है। मिस्टर एन का स्ट्रेस बॉल, फिर ये फोटोकॉपीज, उसके बाद ये कार्ट्रिजेस, इंक कहाँ गई? क्योंकि मिस्टर जॉन को अभी के अभी साइन करना है। मैं इस ऑफिस के कितने सारे काम करती हूँ, मेरे बगैर ये ऑफिस चल ही नहीं सकता, सबको बस मुझे ऑर्डर देना होता है। सुनो मूवी के बे,
तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्लीज बेबी होश में आ जाओ, तुम कुछ पियोगी क्या? हाँ थोड़ा सा इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, कम ऑन बेबी के बे पियो। निहार हाँ बोलो ना बेबी। हलील ने कहा कि सनम ने सारे पैसे भर दिए हैं, यही कहा ना उसने? नहीं 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 नहीं, नहीं उसने ऐसा नहीं किया, नहीं किया बिल्कुल। उसने ऐसा ही कहा, पर मुझे ये जानना है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, उसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है निहार। मुझे कैसे पता होगा मेवी के बे, उसने मुझे कहाँ कुछ बताया तो मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है? वो तो इतने पैसे भी नहीं देता मेवी के बे, उसने हमसे झूठ बोला था, मेरी बेटी ने झूठ बोला था मेवी के बे, ये सच है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ निहार? नहीं 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 मेवी के बे काम डाउन, मैं सनम से बात करता हूँ ना, उसे अभी सच्चाई पूछता हूँ, अभी रुको मैं पूछता हूँ। क्या सच पूछोगे? वो हर महीने हमसे झूठ बोलती रही है, हलील को पैसे देती रही है। हेलो हाँ डैड बोलिए। बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डैड, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, वो तुम्हारी माँ। हेलो सनम, तुम्हारे पास सच बोलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है, नहीं नहीं 20 सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं। कैसा सच, क्या कह रही है आप? ये बताओ तुमने हलील का कर्जा कैसे चुकाया? मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच बताओ कैसे किया? माम वो मैं आपको तीन क्या उसने? सनम मीटिंग शुरू हो रही है। दो सनम मीटिंग के लिए आओ। एक सनम मीटिंग में चले क्या? माम मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आई एम सॉरी माम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सनम फोन बंद मत करना। मैं निहार तो उसने फोन बंद कर दिया। क्या कहा क्या उसने? हाँ, आज मैं उसे इसकी सजा दे कर रहूंगी, वो मुझसे बिल्कुल नहीं बच सकती, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक 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 है मेरी बे, काम डाउन हो के, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। शांत हो जाओ, आराम से। निहार तुम शॉप पर ही रुको, जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लेती मैं सांस नहीं लूंगी, मैं जान कर ही रहूंगी। अरे अरे नहीं मेवी के बे, रुको मेवी के बे, यहाँ आओ मेवी के बे। अरे ये कार्ड नीचे गिरा हुआ है, किसी का ध्यान भी नहीं है यहाँ पर, मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अब ये कार्ड गिरा हुआ था फ्लोर पर, ओके देख लेना। अरे देखो तो, अरे ये क्या आर्मचेयर पर क्रैक है? अब कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मुझे ही करना पड़ेगा? मुझे ही यहाँ सब काम करना पड़ेगा क्या? जी जी हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रेस्ट ले रहा था। हर रोज मैं 20 मिनट ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे ही पास है, फिर जाकर मैं कॉफी पीता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मिस डेरन को कॉफी देनी है, वो आइलिन को देखकर पागल हो रही है। सनम अब मिस आइलिन को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता। सच में? हाँ अब मैं रिकवर हो गया हूँ, मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, अब मैं एक काम इंसान हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं तुम्हें कुछ बताऊँ? नहीं मत बताओ। नहीं 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 मत बताओ मत बताओ। अच्छा ठीक है बताओ। नहीं उस बारे में कुछ नहीं। हाँ क्या हुआ? अब मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ। इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर? और तुम मुझे क्यों नहीं लिया? उन्होंने मुझसे पहले भला तुम्हें कैसे अपॉइंट कर दिया? मैं यहाँ सालों से प्योन की नौकरी कर रहा हूँ और जॉब देने की बारी आई तो वो तुम्हें दे दी, तुम क्यों इंटर्न बनोगी? इंटर्न तो अब मैं बनूंगा, मैं अभी जाकर मैं मैनेजर से बात करता हूँ। मैं किसी की नहीं सुनने वाला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे सामने हाजिर है, तुम जरा एक मिनट रुकना। तो बताओ क्या कहना था जे जे? मिस्टर जान नहीं वैसे कुछ खास कहना नहीं था, बस आपके लिए एक कॉफी चाय नाश्ता लेने की सोच रहा था और कुछ नहीं, मैं जाता हूँ अब। ओके अरे सब हट जाओ यहाँ से। हेलो मिस्टर जान। अब कौन आ गया? कौन होगा जिसे जरा भी सब्र नहीं? अरे रुको रुको आ रही हूँ मैं। अरे मैस्की पे क्या कर्जा मांगने आई हैं आप? क्या हुआ है? जोर से दरवाजा पीट रही थी आप, अब ठीक तो है ना? आयहान मैं तुम्हें वही ऑफर दे रही हूँ जो सैनम को दिया था, तुम्हारे पास 3 मिनट है सच बोलने के लिए। सैनम के पास एहसान को देने के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। थोड़ा वक्त कम है सच्चाई जानने के लिए, सच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है तो आपको थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा 3। अच्छा 3 तक गिनने वाली हैं आप? 2।
देखिए ये गिरना बंद कीजिए, मैं बात करती हूँ। ऐसा करते हैं बैठकर बात करते हैं, आप शांत हो जाइए ओके, यहाँ आराम से बैठिए और बात करिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या पियेंगी आप, कॉफी या फिर ऑरेंज जूस पीना पसंद करेंगी, या फिर मैं आपके लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करूं? चाहिए एक ग्लास पानी दे दो। सिर्फ पानी? पानी काफी है। अच्छा जल्दी लाओ। अरहान, अब पानी खत्म हो गया है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम, रुको। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं है, इसलिए सारी चीजें हमें खुद ही करनी होगी। हम नया कैंपेन बना रहे हैं, अगले हफ्ते हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, हैव अ गुड डे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ वो मैं चाय लेकर आई हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते। तुम अब कंपनी की लीगल स्क्रिप्ट राइटर हो, कंग्रेचुलेशंस। हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैंने आज मिस डेरन को एम्ब्रेस कर दिया। सच कहूँ तो? अच्छा, अगर तुमने डेरन को एम्ब्रेस किया है तो मुझे भी एम्ब्रेस करना बनता है ना? क्या? नहीं मैं नहीं कर सकती। ओके थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तुमने खुद हासिल किया, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टैलेंटेड हो। भाई भले ही मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ पर मैं हेल्पर तो हमेशा रहूंगी, जब भी चाय चाहिए होगी आप मुझे बुला देना, जस्ट कॉल मी। ओके ओके मिलती हूँ। क्या तुम सुनोगे? हाँ बोलो क्या हुआ। ओ सामने से हट जाइए। ओ गॉड, अरे अयहान, अयहान क्या हुआ, दौड़े क्यों चली जा रही हो? सुबह की एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है ना? निहात, निहात पकड़ो, जाने मत देना। ओ गॉड वो आ गई, मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। क्या हुआ मेवे के बे? हाँ बताओ, अब बताओ। क्या बताऊँ, बैठो। मेवे के बे क्या चल रहा है? सैनम को इतने पैसे कहाँ से मिले? तुम्हारे पास 3 सेकंड है, टाइम शुरू होता है अब। 3। उसने ऑफिस से एडवांस लिया था। पागल हो गई हो क्या? उसने एक सिर्फ हेल्पर के तौर पर काम शुरू किया है तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी आंखों में देखकर सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ, कसम से मैं झूठ नहीं बोलती, नहीं बोलती मैं झूठ। मेरे के मुझे लगता कि ये सच बोल रही है, इसे ज्यादा परेशान मत करो अब ठीक है? कैसे मिले उसे पैसे? कसम से मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसको ये ऑफिस से मिले हैं, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है अभी के लिए रोकती हूँ, लेकिन पूरी सच्चाई अब सैनम ही बताएगी मुझे, समझे? तो मैं जाऊँ? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी नजरों से दूर नहीं रहोगी। सैनम को बता देना कि मैं इस बात की तह तक जाने वाली हूँ। चप्पलें नहीं पहनी होती तो आप मुझे पकड़ नहीं पाते। मेरे पाँव घुटने सब दुख रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? मेरी हालत बहुत खराब है, कितना तेज भागती है, उसके पीछे मैं भाग भाग के बुरी तरह से थक गई हूँ। निहात इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में भगाया मुझे। शांत हो जाओ, मैं ठंडा पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, बैठी रहो। क्या कह रही हूँ, मॉम बहुत गुस्से में है। हाँ उनकी बात भी सही है, ठीक है मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी, थैंक यू सो मच। लिखा क्या फिर से? हमें फिर से शुरू करना है? अरे माफ करना मिस सैनम, मैं तो भूल ही गई थी, तुमने सक्सेस पाने के लिए बड़ी लंबी छलांग लगाई है, एक हेल्पर से तुम सीधा स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो, कितनी कमाल की बात है ये सच में। सही है मिस डेरन। तुम चाहती हो कि ना बोलूं? नहीं बात खत्म हो गई है। ठीक है, कस्टमर को स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी लग रही है, ठीक है उसको चेक करके जरा शॉर्ट करके लिख दो, समझ गई तुम? ठीक है लिखती हूँ। और हाँ टाइम और फ्लो पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? टाइमिंग, यस। ओह जो मैंने कहा वो समझ आया? वेल समझ गई, मैं बताती हूँ, हमको 2 वर्ड्स बोलने में 1 सेकंड लगता है और हर सेकंड का मतलब पैसा होता है, इसलिए लिखते वक्त जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कस्टमर को महंगा पड़े, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है मैं फाइनल कट ही दिखाऊंगी आपको। जल्दी करना अर्जेंट है, हमको शूटिंग से पहले भेजना है, वो भी अभी। ठीक है
मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं होगा मुझसे। मैंने तुम्हें पिछले 3 महीनों की फाइनेंस रिपोर्ट्स भेजी थी, क्या तुमने देखा उसे? कैसे देखता मैं, वक्त है क्या मेरे पास? शूटिंग और बाकी चीजों की वजह से रह गया मुझसे, और वैसे भी फाइनेंस तुम देख लो, मुझे नहीं पता। पर मैं पहले की तरह नहीं देख सकता, प्रॉब्लम्स हो गई है। पिछले 3 महीनों में हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बड़े ही हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मेरी समझ में नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। शूटिंग के खर्चे पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं, और सेट पे भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हमें और बजट चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नहीं तो क्या करें, मेमरे क्या काम छोड़ दे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, पहले अपने तरीके से काम मत करना इस बार। मेरे तरीके से मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मुझे काम नहीं आता है ना? मेरे पास विजन नहीं है और मैं ऐसे ही बस पैसे लुटा रहा हूँ अपनी कंपनी के, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझा करो। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ भाई, तुम चिंता मत करो, पर जब तुम बोर होकर चले जाओगे तो मुझे और डैड को सब संभालना पड़ता है। हम दोनों जानते हैं तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे, तुम्हारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो भाई, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारी मीटिंग अटेंड करो। इसे रखूं या ना रखूं, मुझे शुरू से करना होगा, आखिर में लंबी हो रही है। लेकिन स्टोरी के बाहर भी तो नहीं जा सकती, ऐसे तो मतलब ही निकल जाएगा इसका। मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ और उनको सही भी कर रही हूँ। एक हेल्पर का इंटर्न होना बहुत हार्ड होता है। हाँ। ये ऐसे। हाँ बस हो गया। सनम। यस मिस आइलैंड। मेरे कमरे में आओ ना, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जरा बाद में आऊँ क्या, क्योंकि मैं ये सही कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, 5 मिनट के लिए आती हूँ। वेल, जॉन ने मुझे ये जगह काम करने के लिए दी है और कहा है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मिस्टर जॉन ने, अगर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा। वैसे भी मैं एक हेल्पर हूँ और ऐसी बात है तो मैं मदद जरूर करूँगी। ओह परफेक्ट देन, तुम्हें तो पता है कि यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं और तुम सच में बहुत प्रोफेशनल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या, क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट लिखने में बिजी हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। ओविड यू वाला ना, मैं ही उसकी कंसल्टेंट हूँ, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली उन्होंने स्टोरी शॉर्ट करने के लिए कहा है, मतलब इस टेक्स्ट को शॉर्ट करना है क्योंकि हमने टाइम लिमिट को पार कर लिया है। ठीक है, उसमें एक इंग्लिश टेक्स्ट है जो तुम्हें टर्किश में ट्रांसलेट करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ 5 सेकंड का है, मैं देखती हूँ शायद तुम्हें कोई हेल्प मिले। सच में? हाँ बस 5 सेकंड का है, आओ साथ में चेक कर लेते हैं। साथ में? चेयर यहाँ ले आओ। मैं वहाँ हूँ। हाँ हाँ बैठो। हम एक साथ ही इसे चेक कर लेते हैं, काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और एडेप्टेशन करना भी हो जाएगा, तो हम दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है, एक बात है, जो टर्म्स आप यूज कर रही हैं मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो, जल्दी ही सीख जाओगी, डोंट वरी। हाँ सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ चलो देखते हैं क्या है, दिखाओ। ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन। हाँ बहुत अच्छी है, इट्स नाइस। जी जी, क्या कर रहे हो तुम? मैं इशारा कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ तुम्हें? उस खतरे के बारे में पता तो है ही ना, उस औरत ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया। मेरी आत्मा कैसे? बेवकूफ हो क्या? मेरी आत्मा पे कैसे कब्जा करेंगे बताओ, जरा बताओ मुझे। उसने किया है। हा? मैंने कहा ना कि उसने कब्जा किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा, अब वो तुम बन गई हो। हाँ मैं बन गई हूँ, कितना बात को बढ़ाओगे, वैसे भी मैं तो इतनी बुरी हूँ भी नहीं, सही में उतनी बुरी भी नहीं है वो, क्योंकि तुम तो इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल हो, अपनी साइड चेंज कर। सही कहा।
तुझे बड़ा डर लग रहा है गुलिस। क्या? मेरा खुद पर से भरोसा दूर हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मैं भी साइड चेंज कर दूं। अगर वो इस तरह से मुझे देखती रही तो मैं साइड चेंज कर दूंगा। ऐसा लगता है, क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं, नसीहत दो। जी जी, क्या बोले जा रहे हो? अब तक तो उसने बुलाया भी नहीं है। बुलाएगी मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है खतरा मेरे दरवाजे तक पहुँच चुका है। मैं गया काम से, मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तुरंत मुझे हर्बल चाय पीनी चाहिए, तभी रिलैक्स होगा। कहाँ जा रहे हो? जब तक एक कप हर्बल चाय न पी लूं तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैं छिप जाऊंगा ताकि वो देख न पाए। मैं कहता हूँ तुम भी छिप जाओ। जी जी जी, मैं हर्बल चाय पीऊंगा। कोई जवाब नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो? तो यहाँ हो तुम? आप भी तो है। सच कहूँ तो हर 5 मिनट में तुम्हारी याद आती है। रियली? तो क्या करूँ, रिजाइन करके अपनी शॉप पर चली जाऊँ? क्योंकि मैं इस काम के काबिल नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी रोज की सनम पिल लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। सनम पिल मेडिसिन? ठीक है, सी यू। ओके, बाय बाय। बाय। जी जी। सेनेम, कितनी देर से यहाँ हो तुम? बहुत देर से हूँ मैं। तुमने मिस्टर जान को देखा क्या? हाँ, उनको मिस्टर बोलना कब शुरू करेंगे? उनको नाम से बुलाती हो? उन्होंने सेनेम पिल तो ले लिए, देखा? तुमने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ हो? यार का रूम है, धूल चढ़ी हुई है, शेल्स हैं, सालों से फाइल्स जमा है। ऐसी जगह जो एकदम अलग है। काश ये दीवारें बोल पाती। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन बड़े शांत लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, मैं शांत हूँ। कुदरत के करीब जाकर आया हूँ। कुदरत बड़ी प्यारी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी जाना चाहिए। अच्छा, हर्बल चाय पिया करो, रिलैक्स रहोगी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है। अच्छा है, लवली कपल है। कपल? सनम, क्या बात है, क्या बात है। ये धूल घटी प्यारी सी फाइल्स। अच्छा, ये प्यारी सी शेल्स, उसके ऊपर रखी फाइल्स और सनम पिल्स। तुमने ये क्या किया? ठीक है, मिस्टर जान के पास ले जाओ, उनका साइन लेकर आज ही भेज दो। ठीक है मैम। जे जे कहाँ है? मैं इस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं कहाँ चला गया ये जे जे। जे जे कहाँ थे तुम? क्या हुआ मिस डेरेन? जो भी बात है पहले मुझे बताइए कि मैंने इंटर्नशिप के लिए कहा था, क्या हुआ उस बात का? अच्छा, तो ये बात है जीजे, सही है, तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि आज से, बल्कि अभी से, माय डियर डेरेन असिस्टेंट हो। अच्छा लगा टाइटल? बताओ, अच्छा है ना? हाँ, टाइटल तो अच्छा है, पसंद आया मुझे। वैसे आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ जीजे, तुम्हें सनम के नेबरहुड जाकर वहाँ पर शूटिंग की जगह को चेक करना है, उनको शूटिंग के लिए तैयार करना है, समझे? और फिर मैं ऑफिस से निकलने से पहले कॉल करूँगी। ठीक है माय डियर डेरेन। तुम डेरेन के असिस्टेंट हो। माय डियर जरा ज्यादा हो गया, तो मैं आपको डेरेन बुलाता हूँ। डेरेन सुनने में अच्छा लगता है, लोग होंगे तब मैं मिस डेरेन बुलाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम मुझे डेरेन बिल्कुल नहीं बुला सकते। तो अच्छा, सच में ये तरीका है आपका? अच्छा, मैं जानता हूँ कि यहाँ इस ऑफिस में कौन किसको क्या बुलाता है। जैसे आपकी मर्जी, यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें असिस्टेंट की जरूरत है। मिस आइलिन है, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। वो तो मुझे यूँ ही रख लेंगी, और मुझे आइलिन के कहने पर भी रत्ती भर भी एतराज नहीं होगा। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा मिस। जी जी, जैसा तुम हमेशा। वक्त वक्त की बात है, जैसी आपकी मर्जी। जे जे, तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? जे जे बेवकूफी की बात करता है। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? उस औरत ने ना, वरना तुम कभी ऐसी बात नहीं करते थे।
मिस आइलीन, ये रही वो फाइल जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच हनी। कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ मिलकर टैक्स पूरा कर लिया है। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मदद चाहिए तुम मेरे पास आ सकती हो। थैंक यू, आती हूँ। सनम, एमरे को कहीं देखा है क्या? मिस एमरे तो चले गए। ठीक है, तो हम एक मीटिंग में साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, वैसे नुकसान तो उनका ही है। ऐसा लगता है जैसे आपको मिस्टर एमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ सनम, मैं किसी भी बात पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करती। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ये क्या कह रही है मिस आइलिन? मेरी जगह तुम होती तो समझ पाती सनम। मुझे इस कंपनी से धोखे से हटाया गया। इतना ही नहीं, मेरे फियांसे ने मुझे मिस्टर अजीज के कहने पर छोड़ दिया, वरना आज मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही होती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। जिंदगी ऐसी ही अनजानी बातों से भरी हुई है सनम। लाइफ में ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं। कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? नो थैंक्स, मेरा मूड थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहेगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। अगर ये बात हमारे बीच ही रहे तो मुझे खुशी। हाँ ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी ले आऊँ, क्या पिएगी आप? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ गर्म पी लीजिए। ठीक है, एक कप चाय चलेगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम मेरा पीछा कर रही थी। अब अचानक से निकल आए, फिर मुझे भी निकलना पड़ा। मेरे पीछे भी आंख है, समझी? रुको, ऐसा लगाने दो। थैंक यू वेरी मच। ये हमें क्या हो गया? तुम जानती हो हम टीनेजर्स की तरह चक्कर मिलते हैं, हम पार्क में मिलते हैं, तुम क्या सोचती हो हमारे बारे में? बताओ जरा मुझे प्लीज। मैं सच बताओ, मुझे ऐसा मिलना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि पार्क में मिलते हैं, तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में? हाँ। फिक्र मत करो, तुम्हारे दिल का ख्याल मैं रखूंगा। मैं एक गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा? हाँ, सिर्फ आप ही मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते हमेशा। अब ये मत कहना तुमने बनाया। और एक गेम है। हाँ? अच्छा, मेरी हॉबी है। हॉबी? हाँ। पर बटरफ्लाई क्यों? क्योंकि जब आपको देखती हूँ तो मन में लाखों तितलियाँ उड़ती हैं। सच में होता है ऐसा? हाँ। मिस डेरिन का कॉल है, डेरिन का कॉल है। जॉन, 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 एक सेकंड। हाँ तो। हेलो मिस डेरिन। हाँ यही हूँ, वो क्या कहते हैं उस जगह को, अच्छा आ रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, आ रही हूँ, आती हूँ आती हूँ आती हूँ। जाना पड़ेगा। मिस डेरिन मुझसे टेक्स्ट लिखवाना चाहती है, वो दो मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। यही प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चलते हैं, अभी जाना है। हाथों में हाथ डाल। चिके इधर आओ, चलो। बहुत थक गई हूँ। तुम थक गई हो लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, काम तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। आप क्या लेंगी? कमर्शियल की शूटिंग के लिए चाहिए। अरे यहाँ नहीं हो सकती, कितनी गंदी जगह है ये, दुकान साफ नहीं करते क्या? सुनाई नहीं दे रहा। इन्हें दुकान नहीं देनी क्या? कम सुनाई देता है, दुकान नहीं देनी क्या? पुश मत करो। नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। स्कार्फ्स और टी शर्ट भी है, इस तरह की चीजें चलेंगी क्या? अयान, क्या बात है, आप इस तरह से बाहर क्यों आई? शॉप है ना, ये हॉरर मूवी जैसा डरा क्यों दिया? चिल्लाओ मत। आप जैसी औरत को ये सूट नहीं करता, कितनी अच्छी शॉप है, क्या हम देख सकते हैं? हमारा बजट जरा कम है यूज की, तो मतलब सुनिए, शॉप अंदर से देखना।
जी जी क्या है, हर बार कहते हो आखिरी है और फिर काम करवाते हो, ऐसे नहीं होता। लेकिन शॉप का नंबर भी भूल गई। एक सेट की बात है, इसलिए बेस्ट ही होना चाहिए। अगर उन्होंने आकर जगह को रिजेक्ट कर दिया तो वो लोग तो अल्टरनेटिव मांगेंगे ना, कहेंगे नहीं लाइट अच्छा नहीं है, कार को लेफ्ट में होना चाहिए राइट में नहीं, समझ रही हो ना, तब कौन जिम्मेदार होगा, निकाल देंगे मुझे। इसीलिए मुझे बहुत सारे अल्टरनेटिव चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं, तुम तो बस मेरे साथ अकेले रहना ही नहीं चाहते हो, सच सच बता दो ना। लेकिन हम तो अकेले ही है ना। ऐसा नहीं है जीजे, रियल में हम दोनों को एक साथ अकेले रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि रियल और अनरियल का, हम साथ में तो है ना, क्या फर्क पड़ता है। जे वक्त बर्बाद मत करो ना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब और ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुमने ओपनली ये बात मुझसे कही थी, पहले नहीं कही थी क्या, बोलो। हाँ कही थी, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया मैंने। इसका क्या मतलब हुआ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते हमारे बीच के इलेक्ट्रिकल करंट को, क्या हुआ उसका? इलेक्ट्रिक करंट? हाँ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा एक दूसरे में बहती रहती है, तुम्हें तो कहा था कैट्स और डॉग जैसे कि बाबा, अब देखो इस ओल्ड मैन की इलेक्ट्रिसिटी मुझ में पास हो जाएगी। देखो हटाओ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मैं क्या पावर यूनिट हूँ क्या? नहीं नहीं आप इंसानी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था ना मुझे। अरे क्या बात है, तुम यहाँ हो, वैसे यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें अवेलेबल शॉप चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, जोक समझ में आ गया ना? अच्छा हम चलते हैं यहाँ से, तुम सच में जो करो। लेकिन मुझे यकीन है तुम वापस आओगे, तुम लौट कर मेरे पास ही वापस आओगे। हाँ तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, जब भी मन करे मुझे कॉल करना, ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का ही इंतजार करूँगा। जॉन, एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है, तो बताओ किससे शुरू करो। अच्छी खबर से शुरू करो। जी जी ने कॉल किया था, उसने नेबरहुड के सारे लोगों से बात कर ली है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर, तो वहाँ सेट बनाना शुरू कर दो तुम। और इसके साथ एक बुरी खबर आई है, हम एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है बताओ बताओ। जिन लड़कियों को हमने अरेंज किया था उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया है, तो वो नहीं आ रही हैं, मतलब उनकी एजेंसी उनको नहीं भेज रही। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन नहीं किया था, और अब मैथिन भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, तो चीजें जरा उलझ गई हैं। ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना होगा। मगर कैसे करोगे? मैं कर लूंगा, मेरा अपना तरीका है, मैं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम सेट पर ध्यान दो। जैसी आपकी मर्जी, और क्या चाय लीजिए। क्या बात है, चाय आ गई, लाओ चाय दो, चाय पीएंगे। देखिए छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप सब के सब ना बिल्कुल बेकार हैं। हाँ उन शूटिंग वालों को आप पूरा का पूरा नेबरहुड फ्री में कैसे दे सकते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक बड़ी कार कंपनी है जो नेबरहुड में कमर्शियल शूटिंग करने आ रही है, आया कुछ समझ में, दिमाग में कुछ बात घुसी आपके? हाँ वो लोग तो पैसे कमाएंगे और आप उन्हें खाली हाथ देखते रहिएगा, ये बात मुझसे तो हजम नहीं हो रही। लेकिन हम क्या कह सकते हैं बताओ, क्या हम गुंडों की तरह उनसे पैसे मांगेंगे? क्या हम उनसे उगाई की तरह पैसे मांगे? देखो हम ये नहीं कर सकते, और ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए ये बात हम मंजूर नहीं कर सकते। कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है मंजूर है, मंजूर है। दया आती है मुझे तुम पर, तुम लोगों की हालत तो मेरी सोच से भी खराब है। देखिए कोई भी उगाही नहीं करेगा, हम माफिया थोड़े ही हैं, और आपको उनसे डायरेक्टली बात नहीं करनी है, आपकी तरफ से मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर सारी बात संभालूंगा और आपके लीगल राइट्स का ख्याल रखूंगा। नेबरहुड का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक अच्छी रकम देनी होगी, जो आपका हक है, जो मैं उनसे लेकर आपको दूंगा, समझ गए हुसैन? मैं आपको दूंगा और फिर आप एक छोटी सी अमाउंट मुझे बतौर कमीशन दे दीजिएगा, समझ रहे हैं ना आप? बहुत अच्छे, देखिए मैं आपके लिए काम करूंगा। बस यही बात मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे थे और मुझे गलत ठहरा रहे थे। मुझ पर थोड़ा कर्ज है, मेरी मदद हो जाएगी, मुझे मंजूर है, मुझे कर्जा चुकाना ही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब पर कर्जे हैं सेसो, सब पर, इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अब तो आप समझ गए ना? और किसी को कोई सवाल है? तैयार है, हुई ना बात, बिल्कुल तैयार है, ऐसा ही करो। एक और बात, आप सबने परफेक्ट डिसीजन लिया है, अब मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप लोग मुझ पर सब छोड़ दीजिए और आप आराम से बैठिए। ठीक है आपका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा, बस आप देखते रहिए धीरे धीरे कैसे सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। जरूर।
ये सही रहेगा। हाँ हाँ अच्छा रहेगा। जी जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी ड्यूटी करो। रोड को ब्लॉक नहीं किया है। परमिशन का क्या हुआ? ली या नहीं? ठीक है अभी जाकर आता हूँ मैं। सनम मैंने क्या कहा था, तुम्हें हर चीज को देखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। लाइट्स चेक किए क्या? हर बात की तरफ ध्यान रखो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। लाइट सही नहीं है, वहाँ क्यों रखे हैं? हाँ ठीक है मैं सही जगह पर रख देती हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मिस्टर जान लड़कियों का क्या हुआ? वो एक घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है बिल्कुल। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? गाइस लाइट्स की जगह ठीक नहीं है, सेलकुक का उसे देखना चाहिए ना। सही नहीं है, दिखाओ लाइट्स गलत जगह पर रखे हैं गाइस, गलत स्पॉट पे रखे हैं लाइट्स। हेलो मिस्टर जान। मिसेस मैवकी वे, मिस्टर नेहात स्वागत है आपका। यू आर वेलकम। खाने के लिए थैंक यू, आपके हाथों में ऐसा ही टेस्ट बना रहा है। ओह थैंक यू। सनम सनम इधर आओ जरा, तुमसे बात करनी है, खाने के बारे में बात करनी है। मॉम मैं यहाँ लाइट्स की जगह अरेंज कर रही हूँ, अगर नहीं की तो बाद में सब मुश्किल हो जाएगा। सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जान मैं लाइट्स को अरेंज कर रही हूँ। ओके ज्यादा बात बढ़ाओ मत, मैं देख लूंगा, तुम अपनी माँ से जाकर बात करो। लेकिन मिस्टर जान। सनम मिस्टर जान। अरे तुम जाओ, मैंने कहा मैं देखूंगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ मैं देख लूंगा। अगर लाइट्स गिरे ना तो देख लूंगा। फिक्र मत करो कुछ नहीं होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मॉम डैड अयहान ने बताया था ना कि मुझे एडवांस पेमेंट मिली थी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, हेल्पर को शुरू शुरू में इतनी बड़ी सैलरी कहाँ से मिलती है बताओ। बेटा तुम जानती हो ना कि तुम हमसे खुलकर बात कर सकती हो। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों दिए, शायद मेरी बहन वहाँ सालों से काम करती है इसीलिए। सनम मुझे सच्चाई बताओ, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, सॉरी लेकिन मैं भी ऐसा ही। इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही है? डैड ने उस शॉप को 40 साल दिए है और वो उसे खो देंगे। मैं डर गई थी इसीलिए मैंने चांस लिया, मैंने उनसे कहा और उन्होंने दे दिया। ठीक है गुड, तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना, ये बात अपनी माँ को बताकर उसका ओपिनियन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकती। सनम सनम यहाँ होगी प्लीज, एक बार जरा यहाँ की लाइट्स चेक कर लो। आपकी वजह से वो लोग मुझ पर चिल्लाएंगे मॉम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तुम तो यही कहोगी पर तुम्हें पता है कि मैं दिन भर से अपसेट थी। सनम ये क्या बात हुई, किस तरह का बॉस है, इस तरह तुमसे कैसे बात कर सकते? सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, आप नहीं जानते मैं कितना काम करती हूँ ऑफिस में। उसे देखो तो कितना स्वीट लगता है ये। बहुत अच्छे, हम इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसे डबल कर सकते हैं? हाँ, वो वाली इन फ्लावर्स को वहाँ पर लगा दो, एटमॉस्फेयर ज्यादा सुहाना रहेगा, क्या हम कर सकते हैं? ठीक है चलो कोई नहीं, ये लोग तो हमारे दोस्त ही हैं। ओ वेलकम मैडम, वेलकम, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। मैंने देखा आपकी बहुत बड़ी टीम है, जरूर आप यहाँ खाली हाथ तो नहीं आई होंगी। मिस्टर हम लोग यहाँ बहुत बिजी हैं, ये सब क्या है, हम शूटिंग कर रहे हैं। अरे मैडम उसी सिलसिले में ही तो हम आए हैं। एक्सक्यूज मी क्या मैं जान सकती हूँ कौन है आप? वैसे देखा जाए तो मैं इस मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आप जानती हैं कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, गरीब हैं, बहुत शांत किस्म के लोग हैं। उन्होंने आपस में शूटिंग के इश्यू के बारे में चर्चा की और एक सोल्यूशन पर पहुँचे, उन्होंने मुझसे मदद मांगी और बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। किस बारे में डिस्कस किया है उन्होंने, किस बारे में बताएंगे? मैं आपको समझाता हूँ, दरअसल बात यह है दीदी। दीदी लगती हूँ मैं? हाँ क्या ये दीदी वाला फिगर है? जरा देखो मेरी तरफ, मेरी जैसी खूबसूरत औरत तुमने आज से पहले कभी देखी भी होगी? हाँ मुझसे ठीक से बात करो, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ, पहले मुझसे बात करने का लिहाज सीखो फिर आकर यहाँ पर मुझसे किसी भी बारे में बात करना। अब जाओ यहाँ से, समझ गए? बाप रे ये क्या हो गया, इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया, लगता है थोड़ा संभल कर बात करनी होगी। सुनो ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि यहाँ कोई बच्चे आए और फुटबॉल खेलने लगे। जाओ जाओ यहाँ से, निकलो अब यहाँ से, जाओ हटो हटो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, इसीलिए दीदी आप भी यहाँ नहीं आ सकती, समझ रही है ना? ये मोहल्ला हमारा है, यहाँ हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है, आप तो समझती ही होंगी। हमें पैसे दे दीजिए फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है, अभी आपको सब समझाता हूँ। अच्छा? $16 यूरोस या टर्किश लीरस,
हर घर के बस आपको 1000 लीरस देने होंगे और हर दुकान के 2000 लीरस लगेंगे। बस बेकीजे काम पे लगिए। क्या 1000 लीरस? 2000 लीरस? कभी जिंदगी में तुमने इतने पैसे देखे भी है? मैं यहाँ बिना बजट की शूट कर रही हूँ, आखिर हो कौन तुम? और वैसे भी जेजे ने इंस्पेक्शन किया है और हमसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, तो प्लीज अब तुम जा सकते हो यहाँ से। कौन है ये जेजे? और रुकिए, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ ये अभी मैंने जो आपको बताया वो अपडेटेड लिस्ट है। अगर यहाँ शूटिंग करनी है तो पैसे भरने पड़ेंगे, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अभी मुझे एक काम है, बाद में आकर इस बारे में डिस्कस करूंगा। बाय बाय। नहीं नहीं, आओ ना, आओ बात करते हैं, आओ आओ, यहाँ पर खड़ी रहो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। बड़ा आया। मिस्टर जॉन, हम एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन में आ गए हैं। एक्चुअली शॉप ओनर्स हमसे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, तो देते हैं, हम उनकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? हम उसकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने बनते हैं, दे दो उसे। ओके, बट हम मैनेज कैसे करेंगे? मैं कोई बैंक हूँ क्या? हर किसी को पैसे बांटती रहूंगी। हाँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और एक्ट्रेस को आने के लिए भी काफी वक्त है। और ये तुम्हारा मोहल्ला है, कोई जगह बताओ ना जहाँ मैं जाकर थोड़ा सा घूम फिर सकूँ। यहाँ हमारा मोहल्ला एकदम सिंपल है, यहाँ कोई जगह नहीं है। आई सी, तो मोहल्ला इतना ही है। एक्चुअली मुझे यहाँ के लोगों को जानना है, उनसे बातें करनी है और उनके कल्चर को समझना। मतलब आपको गॉसिप चाहिए? ठीक है, आइए आपको ले चलती हूँ मिस मेलाहत के घर। उनके पास इस मोहल्ले की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें इस मोहल्ले के बारे में सब कुछ पता है। मिसेस मेलाहत, मिसेस मेलाहत जरा सुनिए। मिस आइलिन, ये है मिस मेलाहत। नाइस टू मीट यू। मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्हें सब कुछ बताना। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। जी हाँ, बोलिए ना। मैं यहाँ कहीं मैनीक्योर करवा सकती हूँ? एक्चुअली मेरे हाथ थोड़े से मैले हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ दिखाओ अपना वहाँ। ओह क्या बात है, बहुत अच्छे हाथ हैं। अंदर आओ, अंदर आओ, चलो चलो अंदर चलते हैं, हम बात करेंगे, अंदर चलिए। हाँ बिल्कुल, उंगलियों में से रिंग्स उतार दीजिए बहुत अच्छे से। हाँ बैठिए ना, बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए, बैठ जाइए और कंफर्टेबल फील करिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? मैं अभी अभी बनवा देती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, शूट पर एक्चुअली काफी चाय कॉफी पी ली है, आप बस मेरा मैनिक्योर कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बुरे दिख रहे हैं। हाँ आप सही कह रही हैं, आप हमेशा बिजी रहती हैं, हर वक्त काम, लेकिन मैं आपकी खातिरदारी करूंगी, आप आराम से बैठ जाइए, चिंता मत करिए, ये मुझे दीजिए। हाँ मैंने सुना है आज हमारे सेट पर आप हेयर ड्रेसर होंगे। हाँ उम्मीद तो है उनको पसंद आए, हमारी शॉप थोड़ी छोटी है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि यहाँ के सारे नेबर्स हमारे यहाँ ही आते हैं और कहीं नहीं जाते, सच में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप कितनी प्यारी हैं, बात भी अच्छी करती हैं, मैं आपके हाथों को बच्चों की तरह मुलायम बना दूंगी, आप देखती रह जाएंगी। देखिए अपने हाथ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, दीजिए हाथ। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर ब्रेक लेकर आई हूँ मैं, और सनीम आपकी बहुत तारीफ करती है। सनीम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो बहुत अच्छी है। और उस्मान कैसा है? बहुत हैंडसम है ना? हाँ हाँ बात तो सही है, मैंने सुना कि वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। क्या ये भी आपने सुन रखा है? नहीं नहीं, वो सारी अफवाहें हैं, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, बहुत दिनों बाद जाकर हमें भी पता चला कि वो सिर्फ दोस्त ही हैं, वो एंगेज नहीं हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि सनेम की उंगलियों में वो रिंग कैसे आई, बड़ी सी है, इस जैसी कोई कहाँ से मिलेगी इसे रिंग। लेकिन आप देखना, मैं इस बात के बारे में पता लगा ही लूंगी। अब ये कैसे, क्या सब जानते हैं कि ये एंगेजमेंट वाली बात झूठ है? सब मेरी वजह से है, मुझे गॉसिपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सनेम थी, थोड़ी सी मनचली है, उसकी सिस्टर बहुत शांत है, वो दोनों सिस्टर बहुत अच्छी हैं। मनचली मतलब? हाँ रियली बहुत मनचली है, उसके डैड बहुत ही अच्छे हैं, आपको यकीन नहीं होगा पर सच कहूँ मैं उनको सालों से जानती हूँ। हाँ यही रास्ता है। हाँ
आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। अरे यहाँ पर नहीं। अच्छा उस तरफ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं। बहुत मुश्किल हुई नेविगेशन के जरिए आपको ढूंढने में। मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था, तुम्हारे मॉम डैड पूरा क्रू वहाँ था, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम्हारी खूबसूरती बहुत महकती है, क्या मुझे ये खूबसूरती के परफ्यूम्स दोगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनकी खुशबू लेता रहूंगा जब मैं तुम्हें मिस करूंगा। आप भी काफी महक रहे हैं। मैंने कोशिश की है आपके लिए परफ्यूम बनाने की, क्योंकि कोई और आपसा महकता नहीं है। वो जो सी से शुरू होता है। एग्जैक्टली। तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर तुम मुझे डीपली स्मेल करोगी तो इस तरह का परफ्यूम भी बना सकती हो। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं पिघल जाऊंगी अब। बाहर चलें? जाना है? चलते हैं, मगर साथ साथ नहीं। पहले मैं जाऊंगी, बाद में आप आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे बाद बाहर आऊं। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे ये छुप कर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए प्लीज। अभी के लिए? ये बात इंटरेस्टिंग लगी। मैं तो ऐसे ही बगैर सोचे कुछ भी बोल देती हूँ। मैं पहले जाती हूँ, आप बाद में आ जाना। कितने लोगों का खाना बनाया है तुमने? मैंने बहुत सा बनाया है, सबके खाने के लिए पूरा हो जाएगा, आखिर हमारी बच्ची के लिए है। तुम कितनी प्यारी हो, मुझे बड़ा फक्र होता है तुम पर। मेरे के बेटे, जब मैं ये सारा खाना बना रही थी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अच्छा इसलिए तुमने अपने सर पर बांध रखा है क्या? मेरा ये सर दर्द ना बस पैसों को लेकर हो रहा है। बस यही सोच रही हूँ, यही सोच रही हूँ कि उसे पैसे किसने दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसने दिए होंगे मेविक बे? मिस्टर चान ने दिए होंगे। एमरे ऐसा इंसान नहीं है कि पैसे आसानी से दे दे। मिस्टर चान अच्छे इंसान है, हमारी बेटी उनसे प्यार करती है, पैसे मांगे होंगे और वो मना नहीं कर पाए होंगे। यकीन नहीं होता हमारी बेटी ने उनसे पैसे मांगे। ऐसी बात है मेविक बे, हम उनको वो वापस लौटा देंगे। मैं अपनी बेटी को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना चाहता मेविक बे। पैसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके प्यार का क्या करूं? वो उसे प्यार नहीं करता। क्या बात करी हो, प्यार नहीं करता? मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत है और स्मार्ट भी है। बिल्कुल, उसके जैसी कोई नहीं है। सच कहूं तो मिस्टर चान एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसको इंटरेस्ट है हाई सोसाइटी की अच्छी सुंदर लड़कियों में, जो सभी रॉ मीट खाते हैं। मैंने सुना है कि वो फैशन है आजकल। रॉ मीट? क्या ये लोग कैनिबल्स हैं? निहात, हमें अपनी बेटी को उसे भूल जाने के लिए कहना पड़ेगा, वरना वो अपनी जिंदगी में बहुत पछताएगी। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा क्या करेंगे कि हो जाए? हाँ तो हम कुछ सोचते हैं ना, उसमें झूठ शामिल करते हैं ताकि वो उसे नापसंद करने लगे, क्या कहते हो? नहीं सुनो मेविके बे, मैं बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर चलो शुरू करते हैं, चलो। हाँ चलो चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आते रहिएगा, टेक केयर। मिस्टर एमरे, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। हाँ, क्या बजट तैयार है? कुछ माइनर एडिशंस करने हैं, वो मैं कर लूंगी, आप इसे चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, देखने दो। हाँ एकदम परफेक्ट है। अगर ये बजट अप्रूव हुआ तो YRT होल्डिंग हमारी कंपनी का क्लाइंट बन जाएगा। लैला तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है।
वाई आर टी होल्डिंग। आराम से बोलो। मिस्टर एम्ब्रे, आप सच कह रहे हैं? हाँ, पर ये कॉन्फिडेंशियल है। वाह, आई कांट बिलीव इट। मिस्टर अजीज कितने सालों से इसे ट्राई कर रहे थे, फिर भी उनको ये डील मिल नहीं पा रही थी। हाँ, क्या बोलूँ, ये मेरा अपना स्टाइल और तरीका है। अनबिलीवेबल मिस्टर एम्ब्रे, मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे लिए ऑनर की बात होगी। सारी कंपनीज हमें फॉलो करेंगी। ओह माय गॉश। सुनो, इसे सीक्रेट रखना। श्योर श्योर मिस्टर एम्ब्रे। चलो मिस्टर एम्ब्रे, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई थिंक आपको इस कंपनी का मैनेजर होना चाहिए। थैंक यू लैला। अच्छा, प्रॉमिस याद है ना तुम्हें, हमें बाहर जाना है। चलो दोनों कहीं लंच पर चलते हैं, क्या कहती हो? ऑफ कोर्स, अभी हम अभी चलने वाले हैं। हाँ, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम मुझे नीचे मिलो। ओके, ऑल राइट, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें नीचे मिलता हूँ। निहात, तुम स्टोर जाओ और मैं बाकी का प्लान संभालती हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं शॉप पे जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है निहात, वैसा ही करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, मैं यही हूँ। सनम बेटा, जरा यहाँ तो आओ। आओ। नहीं मॉम। आ जाओ, बैठो। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। थैंक यू मॉम। ये लो, अपने पॉकेट में रख लो। मॉम ले लो, ना मत कहना और आगे से मुझसे कुछ भी मत छिपाना। ले लो, जल्दी से रख लो इसे। ठीक है। ओके मॉम। आप मुझे बताइए ना, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा है या ये देखकर बताइए। ठीक है, चलेगा। इसमें बस कोई अच्छा सा नेकलेस ढूंढना, ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम यही यूज करते हैं। ओके, कम ऑन, सब ठीक होगा। सनम, इस काम में बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है? हाँ हाँ मॉम। मिस्टर जॉन कैसे संभालते हैं ये सब? मिस्टर जॉन को ड्रामा पसंद ही नहीं है, वो बहुत सिंपल और स्वीट है। सिंपल और स्वीट है? हाँ। अच्छा ये बताओ, उनकी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो मॉम क्या है ना, उनका ब्रेकअप हो गया। उन्हें सिंपल और स्वीट लड़कियाँ पसंद है इसीलिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो वो पूरी तरह से बिगड़े हुए लगते हैं जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हें पटाते हैं, घुमाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। नहीं मिस्टर जॉन ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर मिस्टर एम्ब्रे के बारे में आप ऐसा बोलती ना तो मैं मान भी लेती, पर मिस्टर जॉन वो तो एकदम अलग है। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखते मॉम। अगर ये बात है तो जरा पीछे मुड़कर देखो, वो लड़कियों को कैसे देख रहे हैं। देखो देखो, पता चल जाएगा तुम्हें। देखो क्या हुआ बताओ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस डेरेन, मिस जॉन यहाँ आएंगे जरा। क्या हुआ? ये कौन है? ये नहीं चलेंगी। क्या बोल रही हो सनम, शूट शुरू करना है। आपने कहा था मैंने जैसे इमेजिन किया है वैसा वीडियो बनेगा, ये रोल के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लंबी है, माना कि ये मॉडल्स है, खूबसूरत है, पर मोहल्ले में तीनों लड़कियां ऐसे लंबी थोड़ी होती है। रिलेटेबल नहीं। सनम बिल्कुल नहीं। मैं हूँ बस। हाँ मैं हूँ बस। मैं हूँ जे जे। बोलो मेरा नाम। बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, ब्यूटीफुल बोलो। जे जे, तुमने भी बोला। बहुत बढ़िया, ऊंची हो तुम। देखो इसकी हाइट देखो, अगर सही हाइट और टाइप की लड़की नहीं मिली तो वीडियो रिलेटेबल नहीं बनेगी। देखो इसकी हाइट देखो, और अब उनकी हाइट देखो। आपको दिख रहा है हमारा स्टैंडर्ड? सनम बोलिए, मिस्टर जॉन बोलिए। इन लड़कियों को तुमने चूज किया? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना?
सनम कास्ट तुमने चुनी है। अरे कैसे, फोटो में तो कितनी इनोसेंट लग रही थी ये सब। ये तो किसी को भी धोखा हो सकता है। मुझे कैसे पता होगा वो असलियत में ऐसे दिखती है, मुझे कैसे पता? फोटोज के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो पढ़ी तुमने? हमने वहाँ सब कुछ मेंशन किया था, इनकी हाइट वेट सब कुछ। और अब आज शूट के दिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकती, समझ रही हो तुम? हम इस मौके पर उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। आपका फ्रेंड अब यू नो जो कैसा लगा? शूट की बात करें आयान, हम तुम यहाँ मेरे शूट की जगह कैसे आ सकते हो? हमें इम्पोर्टेंट बात करनी है, जाओ। सनम ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो तुम उसके पास जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत जेलस हो रही हूँ इनसे, ओके? वैसे भी ये लड़कियाँ कार में तो फिट नहीं होने वाली। तुमने सच में मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। जी जी। I'm sorry, मैंने इनसे बात करने में अपना काम भूल गया। एक्चुअली बताइए। जाओ उनको हेयर और मेकअप के लिए ले जाओ। आयहान मेरे साथ चलो, जल्दी करो। क्या हुआ? इस मोहल्ले की चार लड़कियाँ ढूंढ लाओगी? ऑफ कोर्स, लड़कियाँ ढूंढना कौन सी मुश्किल बात है? मैं प्लान बनाती हूँ, चलो। हम वहाँ बैठ जाए? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, थैंक यू मिस्टर इमरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर एम्ब्रे, ये जगह कितनी अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि आप सैलेड खाने के लिए इतनी अच्छी जगह आएंगे। इस होटल की सिर्फ सैलेड ही नहीं बल्कि खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मैंने तुम्हें एक बार खाना खिलाया था, याद है तुम्हें? हाँ अभी याद आया, वो खाना यहाँ का था, मुझे पता ही नहीं था, आपने बताया था पर मैं भूल गई थी। आप ऐसे ही होता है ना। एक सेकंड रुको मिस्टर एम्ब्रे, किसी का ध्यान तो नहीं है ना? नहीं, किसी का ध्यान नहीं है। जरा आराम से, हमें कोई भी देख सकता है। ओके देन, गुड न्यूज के लिए वेट करूंगा। जी मैं आपको कांटेक्ट करता हूं, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं जो खाना है तुम ऑर्डर कर लो। हाँ मिला हार्दी, ये लड़कियाँ मेरा काम तमाम करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि आप इनका काम तमाम कर दे, इनके बाल बिखेर दो, एकदम बदसूरत दिखनी चाहिए ये सब की सब। हाँ डोंट वरी, उसमें तो मैं माहिर हूँ। ये तुम्हारी स्टोरी है तो सब तुम्हारे हिसाब से होगा, तुम देख लेना। 80s की लेडीज है ये सब, ब्लू आईज और ग्रीन लिपस्टिक के साथ एकदम जोकर लगनी चाहिए सब की सब। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। तुम कितनी प्यारी लग रही हो सच में, बहुत सुंदर। रुको जान, हाइलाइटर लगा देती हूँ। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, इसे लगाकर तो तुम और भी सुंदर लगोगी। मेहमत, मुझे यहाँ का विजुअल बहुत पसंद आया है, इसे यहीं कहीं रख दो। ओके। अरे ये क्या, किसकी कार है ये? हे ऊपर वाले, अभी शूटिंग कैसे करेंगे? अगर आप बायर नहीं हैं तो प्लीज गाड़ी को हाथ ना लगाएं, उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आने चाहिए। फिर से तुम, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आते हो। क्योंकि ये मेरा मोहल्ला है, हमारी यहाँ शूटिंग है। तुम इस गाड़ी के ओनर को जानते हो क्या? नहीं जानता तो नहीं, लेकिन हो सकता है या तो ये कार मेरी है या तो किसी और की है, समझ रही है ना? देखो नाटक मत करो, इस कार को यहाँ से ले जाओ अभी के अभी, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। लेकिन आप मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन है? बताइए तो आप कौन है, कोई महारानी है क्या दीदी? मैंने कहा ना मुझे दीदी मत कहो, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगी नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, हम यहाँ शूटिंग करने वाले हैं, हमें सेट लगाना है, इसलिए प्लीज अपनी इस महंगी सी गाड़ी में बैठो और यहाँ से चलते बनो, समझ रहे हो? निकलो यहाँ से अभी के अभी। यहाँ पर शूटिंग का सेट लगने वाला है, सबको काफी काम है। अरे तो उससे मुझे क्या, मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, मैं क्या करूं अब आप ही बताइए। इसीलिए कार को टो करना पड़ेगा, जिसके लिए लोग लगेंगे। आप पैसे देने के लिए तैयार हैं तो बताइए, अभी आदमी बुलवाता हूं और गाड़ी निकलवाता हूं। इसीलिए पैसे दे दीजिए, सबका काम आसान हो जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ तुम इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी पैसों के लिए नाटक करते हो, तरस आता है तुम जैसे लोगों पर मुझे। ये लो। ये क्या बस इतने से ही? अरे इसमें मेरे गाड़ी के टायर्स भी ना धुले, ये जरूर एडवांस पेमेंट होगी। सुनिए मैडम, मुझे 10,000 दे दीजिए, अभी के अभी गाड़ी निकलवाता हूँ यहाँ से। 10,000? तुमने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी 10,000 देखे हैं? 10,000? अब देखो मैं क्या करती हूँ, पुलिस को कॉल करूँगी मैं। अच्छे भले लोगों का फायदा उठाते हो तुम जैसे लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को परेशान करते हुए?
बार बार मेरे पीछे पीछे आकर घूमते हो। बकवास बंद कीजिए मैडम, जल्द से जल्द पैसे दे दीजिए वरना आपकी खैर नहीं। यहाँ से दफा हो जाओ वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। जाओ। उस्मान तुम गलत समझ रहे हो। जाओ, बकवास करना बंद करो। वो बहुत ही बदतमीज आदमी, उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर एम्ब्रे, मुझे गलत मत समझिएगा पर मुझे आपसे कुछ पूछना है। उस एनवेलप में क्या था? तुम चिंता मत करो, उसमें वायरटी होल्डिंग में एंट्रेंस पाने की चाबी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, रिश्वत देकर? क्या कर रही हो लेना? मिस्टर एम्ब्रे, आई कांट बिलीव दिस। मिस्टर अजीज इसके खिलाफ थे सच में। देखो डैड नहीं और बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि उनके एथिक्स को मैं फॉलो करूं। मैं अपने हिसाब से बिजनेस करता हूं, तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। मिस्टर जॉन को पता है क्या? नहीं, बस यहाँ आए हुए तीन लोगों को ये बात पता है, तुम, मैं और वो आदमी। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं लैला। देखो तुम प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। तो आप मुझे यहाँ इसीलिए लाए थे ना? लैला क्या हो गया, इतना सीन क्यों खड़ा कर रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आई ट्रस्ट यू, प्लीज जान को तुम कुछ मत बताना। ऑफ कोर्स मिस्टर एम्ब्रे, मैं आपके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताती हूँ। इसलिए तो मैं तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ लैला। सैलेड नहीं खा रही हो? नहीं, मुझे भूख नहीं है मिस्टर एम्ब्रे। आप खा लीजिए फिर हम जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी, बिल मिल सकता है मुझे? I'm not sure, मैं ये कर पाऊंगी। सुनो, just focus on it. अगर details पे ध्यान नहीं दोगी तो गड़बड़ करोगी। सनम और मिस टेरेन, आपको सूटकेसेस चलेंगी? हाँ हाँ जेजे, मुझे पसंद आई। ओके। जेजे तुमने सूटकेस क्यों गिरा दी, ये रेंटेड है। हैवी थी, सारी उठा नहीं पा रहा था। रुकिए, ये वाले अच्छे हैं, मैं रेट्रो वाले ढूंढती हूँ। चलो तुम मेरे साथ आओ। मिस्टर जॉन आ रहे हैं, चलिए। अच्छा सुनो ना, लंच ब्रेक में हम सी साइड चले क्या? हाँ ठीक है। तुमने उन्हें देखा नहीं आज? हाँ देख रहा हूँ, मेरे में फिक्र मत करो, अब मेरी बारी है, समझे? रुक जाओ। सनम। Yes, mom, dad. एक मिनट के लिए यहाँ आओगे बेटा? मुझे गुस्सा आ रहा है सनम, मिस्टर शॉन जो मोहल्ले में कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उन्हें लड़कियाँ देखनी है तो कहीं और जाकर देखे। डैड, डैड आपको गलत फहमी हुई होगी, वो लड़कियाँ यहाँ काम करने के लिए आई है। पता नहीं, मैंने तो मिस्टर जॉन और उन लड़कियों को ऐसे चिपक कर खड़े होते हुए देखा तो। मिस्टर जॉन? हाँ वही तो बता रहा था, वही थे। डैड आपको जरूर गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने देखा उन्हें, मेरे मन से उनके लिए सारी इज्जत निकल गई है। ये एक अच्छा मोहल्ला है, यहाँ ऐसे सब नहीं चलता सनम, उनसे दूरी बनाकर रखो। डैड वो मेरे बॉस है, मैं जानती हूँ मेरे लिमिट्स। हाँ वो तुम्हारे बॉस है, एक एम्प्लॉय और बॉस में दूरी होनी चाहिए। सुन रही हूँ ना सनम, ये ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ये मोहल्ला अच्छे लोगों का है, यहाँ ऐसा सब नहीं चलेगा, तुम भी जरा संभल कर रहना, दूरी बनाए रखना। पता है डैड, मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखती। काश वो लड़कियाँ यहाँ होती ही नहीं। डोंट वरी डैड, वो चली जाएंगी, डोंट वरी। नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मेरे मेरा हाथ दीदी।
ये क्या कर दिया आपने? अरे सनीम, तुम जानती नहीं वो 80s का फैशन है, मैंने वैसे ही बाल बनाए थे। ओह गॉड, ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, तुम देख लो। दिमाग तो ठीक है। मुझे नहीं पता अब हम शूट कैसे करेंगे। सनम, कहीं ये सब तुम्हारा प्लान तो नहीं? जान, मेरा प्लान मतलब, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? शूटिंग इज कैंसिल्ड। तुम क्विट क्यों नहीं करती? हम कैसे एक अच्छी टीवी सी शूट करेंगे बताओ मुझे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैरन, जस्ट काम डाउन। सनम, तुम्हारे पास कोई ना कोई सलूशन तो होगा ही, प्लीज बताओ। मैं मोहल्ले की कुछ लड़कियों को कन्विंस तो कर सकती हूँ, पर बाल और मेकअप बिल्कुल वैसी चाहिए 80s जैसे, ओवर एग्जैजरेटेड, समझ रही हो तुम? थोड़ा ओवर द टॉप। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। ओके, ठीक है, मोहल्ले की जिस लड़की को लाना है लेकर आओ, बस उन्हें चूज करना जो काम को लेकर सीरियस हो। अगर किसी ने तुमसे पंगा किया तो कहना कि मिस डेरन से बात करे। मैं चूज करूँ लड़कियाँ? हाँ। मिसेस मिफकीबे, मिस्टर निहात, आई होप आप ठीक हैं। जी हाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं थैंक यू। श्योर, सनम पर प्राउड फील करते हैं आप? हाँ है, वो हमारी बेटी है मिस्टर चान, और हम उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। सही कहा, सनम बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट है। अच्छा वैसे क्या मैं अंदर से ऑरेंज जूस ले सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। ये भी उससे प्यार करते हैं क्या? मैं कैसे बता सकता हूँ, ये नौजवान पीढ़ी है, मुझे नहीं मालूम कैसे बात करते। क्या बात है सनम से? यही कि मोहल्ले में उसी की बातें हो रही हैं, तो उसे कैसा लग रहा होगा, बस इसी बारे में हम बातें कर रहे थे। क्या बात, नंबर वन मॉडल दिख रही हो तुम सब। कैमरा एक्शन, बी क्विक, लाइट्स कैमरा, बी क्विक, कम ऑन गाइस, इसको सूटकेसेस दे दो। थ्री टू वन एक्शन। आपकी बेटी बहुत सुंदर दिख रही है। गलत आदमी। हमने जो हेयर स्टाइल बनाई थी, मैं थोड़ा और लूंगी। तो कमाल कर दिया, पहली बार देखा। मैं फिर से पेस्ट्रीज खाने आई हूँ, मुझे यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, ये काफी टेस्टी होती है। बहुत मजा है। मिस्टर चान कहाँ है? मुझे कैसे पता मिस्टर चान कहाँ है? मैं उनका बॉस नहीं, वो मेरे बॉस है। मुझे ऐसे मत देखो, मेरे अंदर कुछ कुछ होता है। मिस्टर चान कहाँ है बताओ? वो शायद साइड में गए हैं सनम के साथ। चलते हैं, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ सी साइड। सनम शांत हो जाओ, एकदम शांत सनम।
जान। आराम से आराम से। हाँ आई मैं। संभल कर आओ प्लीज। ये सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये शायद तुम्हारे मेकअप और कॉस्ट्यूम की वजह से। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता है तुम्हें? अच्छा है ना? हाँ सच में। चलो डांस करते हैं। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सच हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट है सनम। थैंक यू। पर तुम्हारे पेरेंट्स ना मेरे साथ थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। आई थिंक तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। अभी नहीं, अभी उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। पहले मैं वो सॉल्व कर दूंगी, फिर बात करेंगे। ओके। ये बताओ, शूटिंग में मजा आया? हाँ बहुत ज्यादा। आज मैं जो कुछ भी कर पाई वो आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। देखो वहाँ पर है, वहाँ 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 वहाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? मिस्टर जॉन, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन लड़कियों को मोहल्ले में क्यों लाए? वो स्कीनी लड़कियाँ, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। ये आपको कैसे कर सकते हैं? आपको समझना चाहिए। सनम क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? डैड क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अजीब सी चीजें हो रही है। क्या हुआ? पता नहीं। हाँ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है? हाँ जैसे कि पापा, आपको कैसे बताऊँ? बहुत ही गड़बड़ हुई है। मिसेस मैकबे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जान सकता हूँ मैं? यहाँ कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ। मिसेस जॉन, I can't believe it. आपने एक मॉडल को किस किया? सैनम उससे तुम्हें क्या, मिस्टर जॉन को जो करना है वो करेंगे। तुम बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? एक मॉडल मिस्टर जॉन को मेरे मोहल्ले में किस करती है तो मेरी इज्जत तो पानी में चली जाएगी ना। यार सैनम तुम क्या बकवास कर रही हो, ये सब बताना जरूरी है? चलो चलते। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पर, क्योंकि आपने ऐसा मेरे मोहल्ले में आकर, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते वक्त। हमारा मोहल्ला इज्जतदार लोगों का है। दोनों तो जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, ये लवर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ सैनम तो लगता है उन्हें मार ही डालेगी। चलो जान में जाना ही। सैनम बेटा आ जाओ। हाँ मैं आ रही हूँ। सैनम तुम जरा शांत रहोगी, क्या बोल रही हो? मुझे शर्म आ रही है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इम्प्रोवाइजेशन कर रही हूँ। आपको मेरे साथ झगड़ा करते हुए देख वो लोग ऐसा सोचेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। सैनम आओ बेटा। ओह गॉड, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कैसा बर्ताव है? शर्म हया नाम की चीज है या नहीं? ये मेरा मोहल्ला है, कहीं और जाकर कारनामे करते ये सारे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाइए यहाँ से मिस्टर जॉन। ओके गाइस, आप सब ने आज बहुत अच्छा काम किया। प्लीज जाते वक्त मोहल्ले को साफ सुथरा करके निकले। ओके पैक अप। जे जे, ये तुम्हारा काम है। ठीक है मिस्टर जॉन, ब्रावो। जी जी, हम बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है अन, मुझे काम है थोड़ा सा। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं थोड़ा नहीं, ज्यादा ही। आई एम सॉरी जी जी, तुम्हें इतना सफर होता है। आई होप तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एनीवे अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। चलो बाय। ये मेरे प्यार में पागल हो गई है। ये क्या कर रहे हो? हमारे हाथ गंदे हैं, ये गंदा हो जाएगा। आज का मौसम कितना अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत है सच में। काफी खुश लग रही हो आज तो। हाँ मैंने लोन पे कर दिया है। कैसे? रिंग बेचकर? नहीं, एमरी से पैसे लिए। मेरे पास इस रिंग को लेकर कुछ दूसरे ही प्लान्स हैं। जैसे एमरे से एंगेजमेंट की थी? नहीं, एमरे एंगेजमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, और वैसे भी उससे शादी करने से पहले मेरे रास्ते में जो कांटे हैं मुझे उन्हें हटाना है, और उसके बाद उससे शादी करके मैं अपनी लाइफ खुशी खुशी स्पेंड करना चाहती हूँ। रास्ते का कांटा मतलब कौन है? तुम जानती हो कि मुझे फिक्री हरका की ओनर बनना है। आइलिन, तुमसे ज्यादा डेंजरस लड़की मैंने नहीं देखी। लोनली लोगों को डेंजरस बनना पड़ता है सेवल, क्योंकि उनके पास ट्रस्ट करने लायक लोग नहीं होते हैं। क्या कह रही हो, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है? ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रही थी। अब चले। एक्सक्यूज मी, मेरा बिल ले आइए प्लीज। मैं वॉलेट लाना भूल गई। मैं दे देती हूँ।
हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? हाय लला, कैसी हो? क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? हाँ, थोड़ा खराब दिन था। तुम शॉप को अभी बंद कर रहे हो क्या? हाँ, बस साफ सफाई कर रहा था। क्या, ठीक है, तब तक मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ, फिर हम थोड़ी देर सी साइड चलकर बैठते हैं, चाय पियेंगे, ठीक है? मेरा मन कर रहा है। हाँ, वो मैंने गुलीस के साथ ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है लैला, सो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। पक्का नेक्स्ट टाइम चलेंगे। हाँ, बाय, सी यू। लैला, अंकल आंटी को हाय कहना मेरा। हाँ जरूर, ठीक है। हनी, फिक्र मत करो, कुछ खा लो ना। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वैसे भी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें बस जान को सानिम के मोहल्ले में ले जाना है। वहाँ जाकर मेलहत के सामने उस्मान का इशू निकालना है और उसके बाद जान के सामने सानिम के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। That's it. आइलैंड, ठीक है, मैं समझ गया। प्लीज, अब तुम ज्यादा मत समझा। और बाय द वे, मैं अपना बैग कॉलिन की पार्टी में ही भूल गई थी और उसमें ही मेरा वॉलेट भी था, पता है? क्या हम उसे जाकर ले आए प्लीज? ठीक है, हम बाद में चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। क्रिप्स पसंद है तुम्हें? आप वो भी बना लेते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छे क्रिप्स बनाता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? नहीं, कुछ वक्त तक आप यहाँ मत आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही घर आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगी। ओके बाय। ऐसे जाओगी सनम? तैयार हो जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स की नजर में मैं एकदम बदतमीज और रॉ मीट खाने वाला बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मेरी इमेज एकदम खराब है, यू नो, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने। हाँ, सही कहा। और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं और क्या कहती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बात करूंगी जान। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। सनम, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। मैं हमेशा आपको मुसीबत में डालती हूँ ना। वैसे क्रिप्स बहुत अच्छे बने हैं। चलो राजा, हम अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या बात है। हे, वेलकम। मैं कल रात अपना बैग यहाँ भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। और एमरे भी मेरे साथ चला आया। हम मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मिस्टर जान ने मेरे लिए क्रिप्स बनाए, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे क्रिप्स बने हैं, आओ टेस्ट करो। नहीं थैंक्स, मैं पेट भरा। आई लव इट, आई लव इट, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे पर्स लेकर आता हूँ, साथ में कॉफी भी लेकर आता हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। सनम, मुझे कल शूट में बहुत मजा आया। कंग्रेचुलेशंस सनम, तुम्हारी वजह से मैं एक एक्ट्रेस बन गई। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, अगर आप नहीं होती तो शूट नहीं होता। थैंक यू सो मच। जान, सनम बहुत टैलेंटेड है, तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम चाहो तो मैं उसे अपनी एजेंसी में ट्रांसफर कर लूं। सनम को जहाँ जाना है वो जा सकती है। थैंक यू मिस आइलैंड। हमारे
कॉफी, तुम्हारा पर्स। एमरे ये प्लेट ले लो, वहाँ क्रेप्स रखे, सर्व कर। यहाँ पर शुगर नहीं दिखाई दे रही, शायद मेरे बैग में होगी, एक मिनट। हाँ ओह माय गॉड, ये क्या हो गया?